सुप्रभात बच्चों, हिंदी की आज की कक्षा में हम एक नया स्वर सीखेंगे। हिंदी का स्वर ई। पिछली कक्षा में हमने स्वर सीखा था ई। आज का हमारा स्वर है ई। एक बार दोहराइए मेरे साथ, ये कौन सा स्वर है? ई। चलिए अब देखते हैं ई स्वर से शुरू होने वाले शब्द। ई से ईख, ईख, ईख। ई से ईद, ईद, ईद। ई से ईशु, ईशु, ईशु। ई से रजाई, रजाई, रजाई। ई से सुई, सुई। सो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो स्वर ई सिर्फ शब्द के शुरुआत में नहीं, अंत में भी आता है। ईख, रजाई, ईद, ईशु, सुई। अब हम स्वर ई पे एक गीत सुनेंगे। ई से ईख सबसे रस वाली, स्वाद में ही है ये बड़ी निराली। मीठा रस इसका बहुत गुणकारी, मिटाता कितनी ही बीमारी। चलिए फिर से दोहराते हैं। ई से ईख सबसे रस वाली, स्वाद में है ये बड़ी निराली। मीठा रस इसका बहुत गुणकारी, मिटाता कितनी ही बीमारी। हाँ बच्चों, जैसे आपने अभी गीत में सुना, ईख का रस बहुत गुणकारी होता है और इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। चलिए अब हम सीखेंगे स्वर ई की बनावट। एक खड़ी रेखा, फिर एक आधा गोला, उसी से जोड़कर एक और आधा गोला दूसरी तरफ, अंत में घुमाकर नीचे की तरफ एक रेखा, फिर ऊपर एक सोती हुई रेखा। बच्चों, ये है स्वर ई। और स्वर ई लिखने के लिए हम इसके ऊपर एक छोटा गोला और बनाएंगे, तो ये बन जाता है स्वर ई। चलिए फिर से लिखते हैं। एक छोटी खड़ी रेखा, फिर एक आधा गोला, उससे जोड़कर एक और आधा गोला दूसरी तरफ, अंत में घुमाकर नीचे की तरफ एक रेखा, फिर ऊपर की तरफ एक रेखा, उसके ऊपर घुमाकर एक छोटा आधा गोला, स्वर ई। तो बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हमने सीखा स्वर ई। ई स्वर से शुरू होने वाले शब्द, ई स्वर का गीत और उसकी बनावट।
हिंदी की अगली कक्षा में हम सीखेंगे स्वर ई पांच रेखा की किताब में कैसे लिखा जाता है।